दोस्तों, प्रभु देवा और सलमान भाईजान का एक मास्टर प्लान है जो कि राधव योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए उन्होंने बनाया है। और आखिरकार क्या है ये मास्टर प्लान जिससे ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाएगी आने वाले दिनों में। फिलहाल आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का माहौल और परिस्थिति दोनों ही विपरीत है, और इन परिस्थिति और माहौल के बावजूद भी जो लोग इस फिल्म पर वर्क कर रहे थे, यानी कि इसकी जो पूरी टीम या क्रू मेंबर है, वो सलमान भाईजान के पनवेल वाले फार्म हाउस में इस फिल्म की एडिटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर इस फिल्म को काफी रूल और रेगुलेशन के साथ एडिटिंग की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को लेकर जो वर्क चल रहा था, जो शूट हो रहे थे, वो फाइनली स्टॉप कर दी गई है, वहीं पर रोक दी गई है, और कई दिनों से इसकी शूटिंग नहीं हो रही है, बल्कि कुछ शूट जो बचे हुए थे उसे छोड़ दिया गया है। अब बात कर ली जाए तो दोस्तों, इस फिल्म की एडिटिंग पर काम चल रहा है, जिससे इस फिल्म को अगर माहौल और परिस्थिति हमारे देश का सही रहा तो इन सिचुएशंस में वो फिल्म को रिलीज करेंगे जब हमारे देश का माहौल और परिस्थिति काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा तब। वैसे दोस्तों, उन सिचुएशंस में अभी भी वक्त है। वैसे दोस्तों, सलमान भाईजान ने सोचा था कि ईद पर रिलीज करेंगे, लेकिन लगता नहीं जिस तरह से माहौल है उस मुताबिक कि ये फिल्म रिलीज हो पाएगी वक्त पे। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो सलमान भाईजान इससे पहले ही इसकी एडिटिंग कंप्लीट करके रखेंगे, जिससे वक्त पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर मिल जाता है तो वो इस फिल्म को रिलीज़ कर देंगे। लेकिन उनके पास वक्त बहुत ही कम रहेगा, और इसीलिए इस फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी है, इसका कुछ मास्टर प्लान उन्होंने बना रखा है। आखिर क्या है ये मास्टर प्लान, तो दोस्तों बता दें कि सलमान भाईजान और प्रभु देवा सर ने सोचा है कि इस फिल्म को प्रमोशन के लिए, जी हाँ, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर कई सारे कॉन्टेस्ट भी रखेंगे, जिस माध्यम से जो व्यक्ति इस कॉन्टेस्ट में सफल साबित होंगे उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन प्राइज भी मिलेगा। वैसे दोस्तों, ये सलमान खान फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये प्राइज मिलेगा। और अगर बात कर ली जाए, सलमान भाईजान फिलहाल यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे देश का जो माहौल है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाए, और लोग जो हैं, जनसाधारण जो हैं, उन्हें किसी भी कठिनाई और समस्या का सामना ना करना पड़े। वैसे दोस्तों, इस फिल्म की फिलहाल बैठे बैठे में 21 दिनों तक लॉकडाउन है, तो कोई कहीं तो निकलना नहीं है, तो बैठे बैठे इस फिल्म की एडिटिंग पर काम चल रहा है। और वहीं इस फिल्म को प्रमोशन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किस तरह से अगर कम वक्त बचता है हम लोगों के पास, अगर प्रमोशन करने के लिए अगर कम वक्त मिल पाता है तो इन सिचुएशन में किस तरह प्रमोशन करना है, या इस फिल्म के रिलीज डेट को अगर आगे बढ़ाना होगा तो क्या बढ़ाया भी जा सकता है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। दोस्तों, यही मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि किसी भी फिल्म को कोई नुकसान भी ना हो, अगर रिलीज डेट में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें।